नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा कहानी शेयर करने वाला हूँ मेरे एक दोस्त का, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से महीना 1 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी आज नो टू नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है। आज बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबकी बस की बात नहीं है और लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निगेटिव कर रहा है। अभी आप ही सोचिए कि एक बंदा जो कि सक्सेसफुली फुल टाइम नेटवर्क मार्केटर था, जो कि पैसा कमा रहा था, और वही बंदा अगर आज सोसाइटी में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निगेटिव बोलेगा तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो। अगर बुरा लगे तो डिसलाइक बटन भी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा कहानी को जानने के लिए। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले की बात है, मैं तब नेटवर्क मार्केटिंग में नया था और इसी फील्ड के चक्कर में मुझे एक दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से मुलाकात हुआ और उसके काम का जो स्टाइल है वो जैसे बोलता था तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और उसके साथ एक दोस्ती यारी बन गया था और हम लोग अक्सर बातें किया करते थे, भले ही हम लोगों का कंपनी एंड कॉन्सेप्ट अलग हो। काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर रहा था, काफ़ी अच्छा टीम लीड कर रहा था उस टाइम पे, और वो हमेशा मेरे को बोलता है कि भाई तू कभी मेरे कंपनी के सेमिनार में आके देख कैसे लोग 6-7 महीने में लाखों रुपया कमा रहा है, कैसे लोग इतने कम टाइम पे लंबी लंबी गाड़ियाँ ले रहा है। मैं भी मर्सिडीज बेंज लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो हर टाइम वो मेरे को ये बोलता था तो तब मैं उसको एक ही बात बोलता था कि भाई साहब, आपका जो कंपनी है वो कंपनी भले ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है कम टाइम में, नो डाउट यू आर डूइंग ए वेरी गुड बिजनेस, यू आर लीडिंग ए वेरी गुड टीम, बट आपका टीम सस्टेनेबल नहीं है, आपका टीम ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो आप लोग शायद हैरान होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जी हाँ, मैंने ऐसा बोला था क्योंकि मैंने उसको फिर से बोला कि देखिए, आप जो प्रोडक्ट डील कर रहे हो ना, वो कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा है। आप बंदों से 12,000 रुपये लेते हो और उसके बदले में बंदों को क्या देते हो, 3 जोड़ी कपड़ा, जो कि जस्टिफाइड नहीं है और एक मिडिल क्लास के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। और एक आप ही सोचिए कि एक बंदा 12,000 दे के एक बार ले ही लिया, दूसरी बार वो ले पाएगा क्या, दूसरी बार वो प्रोडक्ट परचेस करेगा क्या, कभी नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी नहीं था और दाम बहुत ज़्यादा था, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली बार बार कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि उसका कंपनी जो है कस्टमर बेस्ड है, कंज्यूमर बेस्ड नहीं है, उसका साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये बात, कस्टमर बेस्ड एंड कंज्यूमर बेस्ड, एंड व्हाट इज कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट। कस्टमर बेस्ड, सपोज मैं किसी दुकान में गया, सामान लिया और उस दुकान पे जिंदगी भर कभी नहीं गया, आई एम द कस्टमर ऑफ दैट शॉप, मैं उस दुकान का कस्टमर बना। अगर मैं उस दुकान पे जाके बार बार प्रोडक्ट लेता तो मैं बनता उस दुकान का कंज्यूमर, रेकरिंग कस्टमर इज ए कंज्यूमर, जो कि उस कंपनी में था ही नहीं। बंदा आया, 12,000 रुपया दिया, मुर्गी हलाल, काम खत्म, पैसा आया, मैं खुश। उसको मालूम था ये बात, वो जानता था अबाउट दिस कंज्यूमर बेस एंड कस्टमर बेस डिफरेंस, उसको मालूम था, लेकिन वो इसके लिए उस टाइम पे फिक्र नहीं थी क्योंकि उसको पैसा आ रहा था, वो इनकम जनरेट कर रहा था। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब उसके बंदे, उसका टीम कोलैप्स हो गया, क्योंकि अगेन
साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं था, टीम कोलैप्स हो गया, इनकम ज़ीरो हो गया, और जैसे ही इनकम ज़ीरो हो गया वो हो गया डीमोटिवेट, और उसके साथ अभी वो लोगों को डीमोटिवेट कर रहा है। किसको डीमोटिवेट कर रहा है? अब वो उस कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा है, वो बदनाम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को। अब आप ही बताइए, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की गलती है क्या? इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं, ये गलती उस कंपनी की है, गलती मेरे दोस्त की है, गलती उन लोगों की है। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की कोई गलती नहीं है, उन लोगों की है जो कम टाइम पे ज़्यादा पैसा इनकम करने के चक्कर में अपना हार्ड अर्निंग मनी फेंकट है। मेरे दोस्त की है जिसको मालूम था ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, फिर भी पैसा आ रहा है, काम कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। दैट्स व्हाई आज वो कम्प्लीटली टूट चुका है और बोलता है नो टू नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके लिए और उसके जैसों के लिए, उसके जैसे सिर्फ वो नहीं है, हज़ारों लाखों उसके जैसों के लिए आज हमारे इंडस्ट्री बदनाम है, आज नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, और इसी के लिए लोग नो टू नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, चूजिंग ए राइट कंपनी इज मस्ट इन दिस रिगार्ड। तो आप लोग भी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमेशा कंज्यूमर बेस्ड कंपनी के साथ काम कीजिएगा, कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ कभी काम मत कीजिएगा। अगर अभी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम कर रहे हैं तो आज एनालिसिस कीजिए कि मेरा कंपनी कस्टमर बेस्ड है या कंज्यूमर बेस्ड है। अगर कस्टमर बेस्ड है तो सावधान हो जाइए, मैनेजमेंट से बात कीजिए और अपने कंपनी को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप दिस हेल्प। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है सही हो जाए और लोग धोखा या फिर ठग होने से या फिर बिट्रेल फील करने से बच जाए। जय हिंद, थैंक यू।